लड़खड़ाया चाहे जितना भी, आप लोगों ने मुझे हमेशा संभाला है और ये इतना पागलपन और इतने प्यार के लिए मैं बहुत शुक्रिया करूंगा आपका। और डोंगरी पर पार्टी चलती रहनी चाहिए, मैं जल्दी आ रहा हूँ ट्रॉफी लेके। मुनावर, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन विनिंग द बिग बॉस। पूरी डोंगरी सेलिब्रेट कर रही है, सब रास्ते पे है। व्हाट डू हैव टू से, क्योंकि जब आप घर के अंदर जा रहे थे कभी सोचा था कि विनर की तरह निकलेंगे बाहर? बिल्कुल, मैं पहले दिन गया था ट्रॉफी लेने ही गया था। लेकिन बोलूँगा कि जब मैं बाहर आया हूँ तो सिर्फ ट्रॉफी लेके नहीं आया हूँ, बहुत सारे एक्सपीरियंस और बहुत सारी चीज़ें लेके आया हूँ। और डोंगरी का सेलिब्रेशन मैं नहीं देख पाया अभी तक, फ़ोन हाथ में नहीं आया, बाहर निकल के इंटरव्यूज़ दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इसके थ्रू फैंस तक जल्दी पहुंच पाऊंगा। और मैं उनको यही बोलूंगा, सेलिब्रेशन जारी रखना, चलता रहना चाहिए सेलिब्रेशन। मैं जल्दी ट्रॉफी लेके तुम्हारे पास आ रहा हूं और बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग डिजर्व करते हो कि तो ट्रॉफी लेके सबसे पहले मैं डोंगरी पे आऊं, तो ये सेलिब्रेशन चलता रहना चाहिए। काफ़ी लोगों ने ये भी कहा था कि आप अनडिजर्विंग हो, बोरिंग हो कहीं ना कहीं, तो आपको लगता है ये विक्ट्री जो है वो करारा जवाब है उनके उनके चेहरे पे? चेहरे पे जवाब या करारा जवाब, ये वर्ड्स जो है वो काफ़ी जंग वाले वर्ड्स लग रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि एक जंग लड़ के आया हूँ, और अभी जंग लड़ने के बाद जीतने के बाद वो बातें मुझे सही नहीं लग रही कहना। बट मैं ये कहूँगा कि मेरे जो फैंस है, जो ऑडियंस है, और जिन्होंने मुझे पसंद किया है, मैं इतने फैंस लेकर तो शायद अंदर नहीं गया था जितने मैं लेकर बाहर आया हूँ। तो मुझे कोई बता रहा था कि भाई इट्स डबल एंड ट्रिपल नाउ, तो मैं वो सुन के मुझे लगा कि ओके, मैंने कुछ तो वहाँ किया होगा जिसकी वजह से लोग मुझे पसंद कर रहे और इतना प्यार कर रहे। तो बस यही है कि जो करारा जवाब जिनको लग रहा है कि हाँ उनको जीत कर दिखाया मैंने, तो यही है कि जर्नी का अगर अंत ऐसा हो तो शायद लोगों को अपना जवाब अपने आप ही मिल जाता है, मुझे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक पर्सनालिटी शो था, गेम शो था, तो काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी घर में इतने दिनों से। आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी डिस्कशन हुआ था, आयशा ने डिस्कस किया, कहीं ना कहीं आपको लगता था ये टॉपिक नहीं छेड़ना चाहिए था घर के अंदर? बिल्कुल, एक पर्सनालिटी शो बिल्कुल था वो, और इस तरह की पर्सनल चीज़ें जब आपके सामने शो पे आती है, और जहाँ पे आपकी चीज़ों पे कुछ बहुत सारी चीज़ों पर आपका कंट्रोल नहीं होता है और आपको शॉक हो जाते हो ये सोच करके आपकी पर्सनल चीज़ें क्यों डिस्कस हो रही है, और लोग इतना आपकी इमेज को लेकर टार्निशिंग करने की बहुत जुर्रत करते हैं, कोशिश करते हैं। मैं बहुत सारे वुमेंस के अराउंड काम किया है, हाउ कंफर्टेबल आई मेक देम फील, और मैं कितना रिस्पेक्टेबल उनके टूवर्ड्स रहता हूँ वो मैं जानता हूँ, वो जानते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो ये सारे टैग्स मुझे परेशान करते हैं जो मैं सुन रहा हूँ अभी क्वेश्चंस में, और आई विल गेट ओवर इट। एंड मुझे लगता है मेरे जो एक्शन है वही करारा जवाब देंगे, तो एक जंग खत्म हुई है तो शायद दूसरी जंग है। नज़ीला ने कहा था कि शी वोंट बी लाइक टू बी इन टच विद यू, कहीं ना कहीं आप उसके साथ एक ये रिलेशन वापस, एक कहीं ना कहीं फ्रेश स्टार्ट करना चाहेंगे? मुझे ये नहीं पता है जो आप मुझे कह रहे हो, मैंने कुछ क्वेश्चंस में सुना, तो शायद मैं इसका जवाब नहीं देना चाहूँगा, बिकॉज मैंने नहीं देखा है जो, या मैंने नहीं सुना है जहाँ से मुझे सुनना या देखना चाहिए, तो शायद मैं इसको इसका आंसर नहीं दे पाऊँगा। मनारा के मॉम और सिस्टर थे, और उन्होंने काफ़ी आपको अप्रिशिएट किया कि मनारा के साथ जो आपका रिलेशन था इतने सालों तक, क्या कहेंगे उसके बारे में, योर रिलेशनशिप विद मनारा? मनारा बहुत अच्छी दोस्त है और बहुत रियल है, मुझे पहले दिन से वो रियल लगी। हम दोनों के बीच में बहुत सारे झगड़े हुए और चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा हद तक अगली हो चुका था हमारे दोनों के बीच में, बट आई कैन अंडरस्टैंड, जहाँ दोस्ती इतनी होती है एक्सपेक्टेशन अपने आप आती है, और मैं इतना अंडरस्टैंड तो करता हूँ कि गुस्से में इंसान बहुत सारी चीज़ें बोलता है, और मैंने बहुत सारी चीज़ें सुनी है उसके मुंह से जो मुझे ऐसा होता है कि यार आई डोंट वांट टू सी योर फेस इन माय लाइफ, बट एट द एंड सब सही हो जाता है। आपके फैंस ने सोशल मीडिया पे ट्रेंड किया था मुनारा, मनारा और मुनावर, उसके बारे में क्या कहेंगे? यार मुझे ये सब चीज़ें पता ही नहीं होती है, अंदर जब आप होते हो आपको नहीं समझ में आता है कुछ भी, तो मुझे नहीं पता कि ट्रेंड क्या होगा। और इस तरह के रियलिटी शोज़ में मैंने देखा है अक्सर बॉन्ड होते हैं, फ्रेंडशिप के बॉन्ड्स भी जो होते हैं उसके भी हैशटैग्स वगैरह बहुत वायरल होते हैं और लोगों को पसंद आता है, तो वो है, वो दोस्ती है, वो बॉन्ड है, और डैमेज आते हैं ना हर रिश्ते में, तो ये दोस्ती में भी थोड़े बहुत डैमेजेस है, और आई थिंक वी कैन सॉर्ट इट आउट। लास्टली, आपको बड़े पर्दे पर देख सकते हैं कहीं ना कहीं एक्टिंग, या विल यू गो बैक टू द स्टेज डूइंग योर स्टैंड अप? येस, डेफिनेटली आई वॉन्ट टू गो बैक ऑन स्टेज, एंड साथ साथ में एक्टिंग भी, मुझे कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट मिलेगा मैं डेफिनेटली आई वॉन्ट टू वर्क ऑन माई सेल्फ, एंड डेफिनेटली मुझे और बेहतर चीज़ें करनी है।
एक मैसेज फैंस के लिए, जो आपके फैंस जो इतने टाइम से आपको सपोर्ट किया था, उसके लिए एक मैसेज? फैंस लड़खड़ाया चाहे जितना भी, आप लोगों ने मुझे हमेशा संभाला है और ये इतना पागलपन और इतने प्यार के लिए मैं बहुत शुक्रिया करूंगा आपका। और डोंगरी पर पार्टी चलती रहनी चाहिए, मैं जल्दी आ रहा हूँ ट्रॉफी लेके। थैंक यू सो मच मुनावर।